हेलो गाइस, तो पैटर्न्स प्रोग्रामिंग के पैनल्स का ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्रिंट करने वाले हैं हॉलो शेप डायमंड। हॉलो शेप डायमंड को प्रिंट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड डायमंड को प्रिंट किया था। इसमें हम लोग हॉलो डायमंड को प्रिंट करने वाले हैं। तो हम लोग प्रिंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स, अगर हमें कोई एन दिया है, एन इक्वल टू 5 दिया है, तो हमारा ये प्रिंट करना चाहिए। तो कैसे ये प्रिंट कर रहा है, देखो। अब हम लोग इसे डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। देखो बस सिंगल, ये हर एक मतलब कि हर एक लूप में, मतलब हर एक कितने भी नंबर ऑफ लाइंस रहे, सब में ये स्टार्टिंग 1 रहेगा एंड एंडिंग 1 रहेगा। तो हम लोग सिंपल से एक प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट स्पेसेस कितने हैं उसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 स्पेस हैं, यानी कि स्पेस मल्टीप्लाइड बाई एन कर दिए, प्लस स्टार कर दिए, राइट। ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग कॉपी कर देंगे लास्ट वाली लाइन में, ठीक। हम लोग को क्या प्रिंट कराना है, स्पेसेस कितने, 1 2 3 4 स्पेस, 4 स्पेस, देन 1 2 3 स्पेस, देन 1 2 2 स्पेस, 4 3 2 स्पेस। इस तरीके से हम लोग को लूप चलाना होगा। फॉर आई इन रेंज कर देते हैं। रेंज कितना करना है हमें, देखो हम लोग इसे डिवाइड कैसे कर रहे हैं। मैं इसे डिवाइड ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि इसे एक साथ ले लूँगा तो सही रहेगा, नहीं तो ले सकते हैं इसमें भी, बट मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो इसे आप लोग ऐसे लेकर ट्राई करना एक बार, जैसे कि ये हम लोग, मैं इतने पैसे लेकर बनाऊँ, आप लोग इतने पैसे डिवाइड करके कर देना, कुछ है नहीं, बस रिवर्स करना होगा। तो मैं इतने पैसे करके बना रहा हूँ। तो स्पेसेस कितने हैं, सॉरी इसमें 4 थे ना, 1 2 3 4 स्पेस हैं, राइट। तो हम लोग को लूप एक चलाना होगा। लूप हम लोग कैसे चलाएंगे, 1, n-1, n-1 क्यों किए, देखो हमारा लूप कितना चल रहा है, n की वैल्यू अगर 5 है तो सिंपल सी बात है, तो अगर हम लोग -1 कर दिए 4 आ गया, तो 3 तक चलेगा ये, आराम से 3 तक चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने किया है, क्योंकि n-1, 5-1 गया, 4 आया, तो 1 से 4 इसके बीच में 1 2 3 इतना ही चलेगा। तो 3 टाइम ही तो हमें चलाना है इसे प्रिंट करने के लिए। तो हम लोग रन करते हैं, आराम से प्रिंट करते हैं, सॉरी प्रिंट। प्रिंट हमें क्या करना है, पहले स्पेसेस को प्रिंट करना है, ठीक। स्पेस मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे हम लोग n-i कर देंगे। n-i क्यों कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 है, एन में से आई गया, एन माइनस आई, आई की वैल्यू 1, एन माइनस 1 4, तो यहाँ पे 4 स्पेसेस आ जाएंगे। आई की वैल्यू जैसी 2 होगी, एन माइनस 2, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। एन की वैल्यू, आई की वैल्यू जैसी 3 हो जाएगी, एन माइनस 3 2 स्पेसेस आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने किया है। तो आते हैं हम लोग प्लस करते हैं, हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार को। तो सिंपल से स्टार करते हैं, स्टार स्पेसेस में नहीं लगाते हैं क्योंकि इसके बाद तो स्पेसेस है, हम लोग इसी को काउंट करके डायरेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा इतना प्रिंट करेगा, कितना, हम लोग इसे रन करते हैं, थोड़ा देखते हैं कितना हमारा प्रिंट कर रहा है। देखो इतना प्रिंट कर रहा है अच्छा खासा। तो अब इतना जब प्रिंट कर रहा है, सॉरी एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये 1 2 3 4, हाँ सही सही तो कर रहा है। अब हम लोग करते हैं इसे प्लस। प्लस करके हमें क्या करना है, अब फिर से स्पेसेस को लगाना है। स्पेस कितने हैं बीच में, 1 स्पेस, देन 1 2 3, 3 स्पेस, 1 3 स्पेस हैं, 1 के बाद 3, 1 2 3 4 5, 1 3 5, इस तरीके से स्पेसेस चल रहे हैं। तो 1 3 5 यानी 2 2 प्लस होके स्पेसेस चल रहा है हमारा ना। तो हम लोग को कैसे करना है, 1 3 5, अगर हम लोग आई है, आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कर दें, आई प्लस आई, आई प्लस आई माइनस 1 कर देते हैं। तो देखो कैसे ही काम करेगा, पहले हम लोग को प्रिंट क्या कराना था, स्पेस ना, सॉरी मैं स्पेस वाले में वो कर दिया हूँ, स्पेस कर दिए, सॉरी स्पेस मल्टीप्लाइड बाई कर देते हैं हम लोग आई प्लस आई माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो आई प्लस आई, आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 आ जाएगा, 1 स्पेस आ जाएगा, ठीक। आई की वैल्यू जैसे 2 होगी, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 स्पेसेस आ जाएंगे। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 5 आ जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते ही जाएगा, ठीक। इस तरीके से पैटर्न ही हमारा बन गया। तो मैं इसे कॉपी में नोट किया था क्योंकि मैं जब कैलकुलेट कर रहा था तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इतना जल्दी से नहीं हो जाता है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं फटाफट करा दे रहा हूँ। तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉपी में नोट करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना हो गया, हमारे स्पेसेस फिर से हो गए, हम लोग फिर से हमें प्रिंट क्या कराना है, स्टार को। हम लोग इसे स्टार इसमें दे देते हैं, रन करते हैं, देखो हमारा ये कितना प्रिंट कर देगा, देखो ऊपर का प्रिंट कर दिया। हम लोग को बारी हम लोग की इसे प्रिंट करने की, तो इसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले ऊपर वाले को थोड़ा मैच कर दें। इतना हमारा प्रिंट हो गया, हम लोग को इतने को प्रिंट कराना है, ठीक। इतने को प्रिंट करने के लिए पहले हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं, राइट। हम लोग एक लूप चलाते हैं, लूप चलाएंगे फॉर, कितना है ये, ऊपर से आ रहा है नहीं नीचे, तो हम लोग इसे चलाते हैं फॉर जे, सॉरी जे इन रेंज,
जे का रेंज कर देते हैं हम लोग 1 2 1 2 कर देते हैं हम लोग एन तक करते हैं, एन तक सही रहेगा, हाँ एन करते हैं, क्यों 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। तो हम लोग इसके अंदर जो स्पेसेस है उसका तो यही मेथड जो है हमारा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसेस मिल जाएंगे। 1 है देखो 1 स्पेस, देन 1 2 स्पेस, देन 1 2 3 स्पेस, देन 1 2 3 4। इसमें हम लोग को ईजिली हम लोग इसे कर सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा स्टार्टिंग का तो हो जाएगा। हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमें क्या करना है, स्पेस पहले है ना, स्पेस मल्टीप्लाइड बाई जे, देखो ये आराम से हमारा जे इतना साइड का प्रिंट कर देगा। हम लोग प्लस करते हैं, स्टार प्रिंट कर देते हैं, अब देखो ये कितना प्रिंट करेगा, इसलिए मैं उसे लिया, देखो ये आराम से हो गया ना, तुरंत ऑन द स्पॉट हो गया, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, इसीलिए जे को हम लोग 1 से लिया हूँ मैं और कुछ नहीं। हम लोग करते हैं प्लस, अब इसके आगे क्या है, फिर से स्पेसेस हैं, स्पेसेस का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है देखना, अभी दिखा रहा हूँ, 1 स्पेस 2 3 4 5 6 7 स्पेस है, पहले में 7 स्पेस है, 1 2 3 4 5 स्पेस, यानी कि 1 2 3 वही वाला है, 1 3 5 7 इस तरीके से। तो हम लोग सिंपल से यहाँ स्पेस करते हैं, स्पेस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, देखो ये तो 1 से चल रहा है ना, तो अगर हम लोग j मल्टीप्लाइड बाई j प्लस j माइनस 1 कर दें, j प्लस j अगर माइनस 1 करते हैं तो काम नहीं बनेगा क्योंकि 1 से हम लोग चलाएं इसे। तो हम लोग को यहाँ करना क्या पड़ेगा, हम लोग एक काम करते हैं, n, n की वैल्यू 5 है, n माइनस j कर देते हैं, n माइनस j 4 हो जाएगा, राइट 4 हो गया, 4 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, राइट 8 में से हम लोग माइनस 1 कर देंगे 7 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए, राइट हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, सिंपल से माइनस 1 कर दिए, हमारा ये काम बन गया पूरा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, हाँ माइनस 1 कर दिए, ये हमारा हो जाना चाहिए। प्लस करते हैं, अभी मैं रन करके देखता हूँ, इसे मैंने नोट किया था क्योंकि मुझे उस समय का याद था, अब इसे रन करते हैं, काम तो बन जाना चाहिए, हो गया काम। देखो अब मैं इसे नीचे करता हूँ, अभी मैं बताता हूँ वो कैसे काम कर रहा है। अब देखो हम लोग को काम क्या है, बस हम लोग को ये लास्ट वाला पैटर्न जो है इसे हमें प्रिंट करना है, एक बस जो है एक सिंगल स्टार जो बताया, तो सिंपल से आते हैं इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ आते हैं नीचे पेस्ट कर देते हैं। हम लोग रन करते हैं अपना प्रोग्राम, देखो हमारा ये हॉलो शेप में डायमंड प्रिंट हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे किया क्या हूँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बस यही नहीं समझ में आएगा कैसे किया हूँ। तो देखो ये पहले प्रिंट क्या कर रहा है, 7 5 4 7 5 3 1 इस तरीके से, ये मतलब कि स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है। तो सिंपल से मैं यहाँ क्या किया हूँ, एन माइनस जे, एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस जे, जे की वैल्यू जब 1 होगी, 5 माइनस 1 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 8 हो गया, 8 माइनस 1 कर दिया आ जाएगा 7। अब इसी तरीके से जे की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, एन माइनस 2 कितना होगा 3, 3 मल्टीप्लाई टू 2 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 माइनस 1 कर देंगे 5 आ जाएगा, 5 स्टार प्रिंट कर, 5 इस से प्रिंट कर देगा, इस तरीके से किया हूँ मैं। तो अब मैं इसे यूजर इफिशियंट बना देता हूँ, एंड इसे आप लोग प्रैक्टिस करना एक दो बार समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तब तक हो नहीं पाएगा। इंटर योर नंबर कर देते हैं, हम लोग इसे रन करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे आराम से कॉन्सेप्ट बनाने का बस एक ही फायदा होता है, कोई भी वैल्यू दो वो प्रिंट करेगा, कोई भी वैल्यू, देखो 10 दिए, 10 पे भी अच्छे से काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पे अगर इसे अगर हम लोग 3 देंगे 3 पे भी अच्छे से काम करेगा, 2 देंगे 2 पे भी अच्छे से काम करेगा, किस पे भी देखो हम लोग 2 देंगे 2 पे भी काम कर रहा है, सब पे काम करेगा क्योंकि एक बार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ के बनाया है। अगर हम लोग ऐसे उसे देख के खाली उतारते प्रिंट प्रिंट करके ना तो सही नहीं पड़ता। देखो हम लोग 7 8 करते हैं, 8 को भी प्रिंट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे, नए पैटर्न के साथ। ओके थैंक यू।